अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फैक्ट के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो भाई हिंद सिंध में रहते हैं जिनको कहीं से भी कोई नुस्खा नहीं मिलता। आज ये नुस्खा सुन लें। जितने बड़े से बड़े मुठलबाज रहे हैं, जितने बड़े से बड़े लवातत के मरीज रहे हैं, आज उनके लिए ये नुस्खा है जिनको बहुत ही ज्यादा मजा जवानी में आया है, लेकिन अब बुढ़ापे में आके वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे है कि जिनकी जवानी में ही बिल्कुल बैंड बज चुकी है, तो आज उनके लिए मैं नुस्खा पेश करने लगा हूँ। बड़े गौर से है यार, कमाल का नुस्खा है। ऐसा नुस्खा के मर्द और औरत दोनों मजे से बेहोश हो जाएंगे। इतना कमाल का नुस्खा बताने लगा हूँ। सिर्फ दो से तीन चीजें हैं, दोनों ही बड़ी आसानी से मिलेंगी आपको, किसी भी पंथार से मिल जाएंगी। आइए जल्दी से मैं नुस्खा आपकी झोली में डाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि फिटनेस फिट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। और साथ ही मिस्टर देसी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही कमाल के लाइव नुस्खे हम उस पर बता रहे हैं, जितने भी कमजोरी के नुस्खे हैं इंशाल्लाह आपको उस पर लाइव बनाकर दिखा रहे हैं। दोस्तों जल्दी से उस चैनल को भी विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए अब मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, दालचीनी लेनी है, याद रहे दालचीनी अच्छी वाली आपने लेनी है, और जो चीजें मैं बताऊंगा आपने हम वजन लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने कबाबा चीनी लेनी है। कबाबा चीनी बिल्कुल काली मिर्च की तरह होती है, ये भी आपको किसी भी पंसार से बहुत ही आसानी से मिलेगी। और आखिरी जो चीज है वो है जंजबील, जिसे खुश्क अदरक भी कहते हैं। अब आपने क्या करना है, हम वजन कूट छान कर आपने शहद के साथ आपने गोलियां बनानी है, चने के बराबर गोली बना लेनी है, और कार्रवाई डालने के वक्त आपने एक गोली मुंह में घुला कर आपने जो उसका लवाब बनेगा आपके मुंह में वो आपने अपने अजू पर लगा कर दखूल करना है। यकीन जाने की उस टाइम इतनी लजत आएगी कि औरत और मर्द दोनों बेहोश हो जाएंगे मजे के साथ। ये नहीं समझना कि किसी दर्द के साथ, मजे के साथ बेहोश हो जाएंगे। आइए अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ।